ओ महाराज आओ। तू मैंने बोलते ही मुझे डर लगने श्री हरे नमः। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय स्तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत भक्ति वेदांत श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंदों प्रणिपात करता हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तर शत भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज एवं भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत अर्पण करता हूँ। श्रीमन महाप्रभु सहित समस्त गौर परिकर एवं मेरी समस्त गुरु परंपरा जय तो हो उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवों को प्रणाम करता हूँ। आज गंगा दशहरा है, हम लोग सारे के सारे शुभ तीर्थ गए थे, आज सौभाग्य प्राप्त हुआ और इतना आनंद आया ना, खूब आनंद आया, खाने में आनंद, नहाने में आनंद, आनंद ही आनंद है ना प्रेम प्रभु जी। हाँ, बारिश में भी आनंद और मौसम भी आनंद हो गया ना, नहाना खाना। वैसे नियम है कि स्नान पश्चात कलेवरम, लेकिन हमने कलेवरम पश्चात स्नानम कर लिया तो इसीलिए तो आज गंगा दशहरा है। और हम लोग शुभ तीर्थ भी गए थे तो गोस्वामी शुभदेव जी के भी के उधर जो उनका वो दिव्य वृक्ष जिसके नीचे उन्होंने दिव्य कथा का आस्वादन श्री परीक्षित जी को कराया था, उसके भी दर्शन किए। वैसे तो आज बंद था, नहीं अलाउ था, लेकिन भगवत कृपा से गुरुदेव और मैं केवल हम लोग दो ही मठ में से हम दोनों को ही प्राप्त हुआ अंदर जाना, हम लोग दो ही जा पाए अंदर और कृपा रही, दर्शन किए, बहुत आराम से दर्शन किए, खूब बढ़िया तरीके से भगवान की और गुरुदेव की कृपा रही। और इसीलिए गंगा जी का आज प्राकट्य है तो भगवती गंगा, श्री गंगा देवी तेरी तरंग मोहे भारी, श्री गंगा देवी तेरी तरंग मोहे भारी। इसलिए धवल धार गंभीर अगम जल वेद पुराण गाई, साठ हजार सगर सुत शापित मुक्ति दैरी मैया वेदन गाई, श्री गंगा देवी तेरी तरंग मोहे भाई। आज शंकराचार्य जी गंगा जी के लिए गंगा लहरी में लिखते हैं जननी तव त्राटंक महिमा। जब श्री गंगा जी, देखो गंगा जी की कितनी बड़ी महिमा है, एक नायिका जो है एक राजा की वधू, वो जब स्नान कर रही थी तो उसने अपने वक्षस्थलों पर कुंकुम और चंदन को मिश्रित करके लेपन किया था और गंगा जी के लेपन किया था, और जो हिरण के नाभि में कस्तूरी होता है कस्तूरिम और जो कस्तूरी होता है उसको गंगा जी के जल में मिश्रित करके अपने वक्षों पर लगाया, श्रृंगार किया, और जैसे ही लगाया उसने और लगाते ही जब गंगा जी का स्पर्श पा करके वो जो कस्तूरी है जब जिस मृग का था वो मृग भी भगवत धाम चला गया। इतनी बड़ी महिमा है गंगा जी की, इसलिए जननी तव त्राटंक महिमा शंकराचार्य जी लिख रहे हैं। इसीलिए गंगा जी बोली मैं कैसे आऊंगी, मैं तो नहीं आऊंगी, भगीरथ जी से बोली, बोले क्यों, भुवन नाहम चास्य भुवन माध्य, मैं नहीं आऊंगी पृथ्वी पर, क्यों, क्योंकि मेरा इतना जोर का वेग है कौन मुझको धारण करेगा, को धारिष्यति मे वेगम, मेरे वेग को कौन धारण करेगा। तो भगीरथ जी बोले चिंता मत करो, वेग को तो शंकर जी धारण करेंगे, रुद्रस धारयति ते वेगम प्रस्तुत शाटीव तंतुसुः। अरे रुद्र साक्षात आपके वेग को धारण करेंगे, और रुद्र कैसे हैं,
बोले वे साक्षात सदाशिव हैं, और सदाशिव कैसे विराजमान हैं, बोले साटीव तंतुसु, जैसे साड़ी में धागे हैं वैसे समस्त जीवों की आत्मा में सदाशिव विराजमान है। श्रीमद् भागवत जी का श्लोक है। इस कारण से जब ऊपर से आई गंगा जी, देखिए कि गंगा जी कैसे, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट विष्णुलोक से आ गई गंगा जी, विष्णुलोक से नहीं आए गंगा जी। जब वामन रूप धर्यो, जब हरि ने ब्रह्म का मंडल छाई, वामन रूप जब भगवान ने रखा था, और वामन जब भगवान वामन बने थे और बलि के यहाँ गए थे, स्वस्ति स्वागत मर्तहम किं देहिताम मेदनिम कामात्रा मम विक्रमत्रयमिदम, जाकर के बलि के यहाँ बोले स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति, स्वागत है आपका, स्वस्ति स्वस्ति करते हुए वामन जी आए। तो बलि बोले स्वागत है किम देहिताम राजन, क्या तुम आपको, बोले मेदनिम पृथ्वी दे दे, कितना कामात्रा, तो भगवान बोले मम विक्रमत्रयमिदम, मेरे चरणों की बराबर तीन पग भूमि दे दे। तो उसके बाद भगवान ने जब त्रिविक्रम अवतार ले लिया, तो जब ऊपर के लोक में भगवान का चरण गया तो केवल भगवान के दाहिने नहीं बायां, भगवान ने अपना बायां चरण जैसे ऊपर किया और चरण के अंगुष्ठ के अग्र भाग को ही केवल ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में देख पाए। और जब ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में उसको देखा तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलों से उसको पखारा, और जैसे ही पखारा भगवान के दिव्य चरणारविंदों को स्पर्श करती हुई, भगवान के दिव्य चरणारविंदों को जैसे स्पर्श किया, भगवान के सारे चिन्हों को स्पर्श किया, संचिंतयत भगवत चरणारविंदम वज्रांकुश ध्वज सरोरुह लांछनाड्यम उत्तुंग रक्त बिलसक नख चक्रवालम ज्योत्स्नाभिराम हृदयांधकार, सारे के सारे सबको स्पर्श करती हुई ब्रह्मा जी ने उसको कमंडलों में धारण कर लिया। वही भगवती गंगा है, वही श्री गंगा जी है। इसलिए ऐसा नहीं है कि भगवान के चरणों से आई तो भगवान के चरणों से ही है गंगा जी, लेकिन भगवान का चरणों तक है गंगा जी। रुद्र को क्या कहते हैं शंकर जी को, शंकर जी में शिव सहस्त्र नामम में शंकर जी का एक नाम है क्रोधाग्नि बिरजये का, जिनके मस्तक में सदा अग्नि तत्व रहता है, लेकिन शंकर जी को परम विश्राम प्राप्त होता है। क्यों? शंकर जी कहते हैं क्योंकि मेरे मस्तक पर, मेरी जटाओं में धवल धार गंगा जी की जो है भगवान का चरणों तक है, इसलिए मैं शांत रहता हूं। इसलिए शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनघम, इसलिए शंकर जी शांत रहते हैं। इस कारण से यही बात है कि गंगा जी जो है, गंगा जी जब शंकर जी के मस्तक पर रहती है तो गंगा जी ही शंकर जी को शांत करे रखती है। यही सबसे बड़ी बात है भगवती गंगा। और जब भगवती गंगा आई तो देखिए लोग तो गंगा जी की इतनी महिमा है कि यदि गंगा जी आखिरी में, जैसे कहीं भी होता, आपने मैक्सिमम घरों में देखा है कि लोग आखिरी में क्या करते हैं, गंगा जी के साथ तुलसी जी को, किसी कोई शरीर छोड़ने वाला होता है तो उसके मुख में दे देते हैं ताकि उसकी दुर्गति नहीं होती। गंगा जी का इतना, हमारा भारतवर्ष इतना धन्य है, जब तक गंगा जी है, भगवान ने कहा है जब तक गंगा जी है तब तक धर्म की ध्वजा ऊंची रहेगी, और जिस दिन गंगा जी नहीं रहेगी ना, उस दिन समझ लेना वो कलिकाल आ चुका है, वो भयंकर, कि उस दिन फिर उसके बाद समझ लेना कि फिर डामाडोल स्थिति है। इसीलिए गंगा, और सच्ची बताऊं पद्म पुराण में लिखा है कि गंगा जी में और श्री भगवान में कोई भेद नहीं है, पद्म पुराण के श्लोक है। गंगा जी सा और भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान तो गीता जी में भी कह रहे हैं कि नदियों में मैं साक्षात गंगा जी हूँ, मैं नदियों में गंगा जी हूँ। अच्छा, और सबसे बड़ी बात, पुराण कौन सा है जिसके अंदर राधा कृष्ण के वो है, कौन सा पुराण है, स्कंद पुराण, कुरु पुराण, हाँ हाँ विष्णु पुराण, हाँ विष्णु पुराण के अंदर लिखा है, विष्णु पुराण के अंदर लिखा है कि जो गंगा जी है, एक कल्प के अनुसार तो गंगा जी चरणों तक है, भगवान का पाद तीर्थ है, लेकिन लिखा है उसमें श्री राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम जब द्रवीभूत होता है, और जब वो द्रवीभूत होकर के पृथ्वी पर गिरता है, वही भगवती गंगा है, वही श्री गंगा जी है।
ये लिखा है श्री विष्णु पुराण के श्लोकों में लिखा है। इसलिए भगवती गंगा साक्षात ब्रह्म है और भगवती गंगा कृपा करने वाली है, भगवती गंगा ही कृपा करने वाली है। आज हम लोग शुभदेव जी का दर्शन, शुभदेव शुभ तीर्थ गए थे, शुभ तीर्थ गए थे तो वो जो शुभ तीर्थ है वहां पे साक्षात शुभदेव जी ने परीक्षित को कथा सुनाई गाढ़ा। वो कौन सा श्लोक है वो जो शुभदेव जी आ रहे, यम प्रजंत मनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतयांतर ओभिनेदि तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोऽस्मि। ये वही शुभदेव हैं। अच्छा, शुभदेव जी ने श्रीमद भागवत जी कैसे कही? ऐसे थोड़ी ना है कि शुभदेव जी ने लिया और व्यास से पढ़ी और श्रीमद भागवत जी कह दी, ऐसा नहीं है। श्री उज्ज्वल नीलमणि के अगर दर्शन करें तो क्या था, जब श्री राधा कृष्ण एक दूसरे के साथ विचरण करते हैं, कटी किंकणी कुरन करते हुए, हाव भावों को प्रकट करते हुए प्रतिगमन करते हैं, तो श्री राधा रानी की दिव्य कमर में जो कौंधनी सुशोभित है और जो श्री कृष्ण के कमर में करधनी सुशोभित है, जब वो एक दूसरे के साथ घर्षण करती है, घर्षण करने के बाद जो दिव्य रज उसमें से निकलती है और श्री किशोरी जी के लहंगे से फैला करके जो मलयाचल पवन का उदय होता है, वो मलयाचल पवन उस रज को लेकर के और शुभदेव के मुख में स्थापित कर देती है, तब जाकर के श्रीमद भागवत जी के दिव्य श्लोकों का आविर्भाव होता है, तब जाकर के श्रीमद भागवत जी के श्लोक शुभदेव जी कह पाए हैं। गाढ़ानुराग भरे निर्भर भंगुराय कृष्णेति नाम मधुरम मृदु पाठयन्त्य धिम्मा मदन्दि मदि चंचल जाति दोषात् यह राधा करार गुरुर्पोर कचस्तु तोष्णिम। श्री सुखदेव गोस्वामी को श्री राधा रानी ने निकुंज के पर्दों को पहले खोला है, खोल करके एक एक लीला दिखाई है, तब जाकर के सुखदेव गोस्वामी श्रीमद भागवत जी को कहने में समर्थवान हुए। इन्हीं सभी शब्दों के साथ वाचा का नाम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कौन कौन गए थे? आप नहीं गए, आप लोग गए, आप लोग कहीं नहीं। ओम ज्ञान ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो बोलो कुछ वांछा कल्पतरुर्भ्यः बोल दूसरा कृपा सिंधु भाई बचा खड़े हो जा पतितानंग पावनेभ्यो बोल दो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण तुम बोलो कुछ कृष्ण कृष्ण हरे हरे हा? हरे राम 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 हरे बोलो कैसे हाँ ठीक जगह ही बताए जगह ही माता है घुमा देते हाँ बोलो बोलो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम तमाम तमाम सर्वप्रथम अपने गुरुदेव श्री श्रीमद भक्ति श्रीधर गोस्वामी गोस्वामी महाराज जी के चरण अनंत कोटि साष्टांग में प्रणाम अर्पित करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णव मात्र भाई बहन सभी के चरणों में मेरे यज्ञ की देव करता हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं आज गंगा दशहरा गंगा जी का प्राकट्य दिवस, तो उसके विषय में मैं जैसे अभी हम गए थे तो वहाँ मैंने एक मठ देखा, एक मतलब मंदिर था, वो तो एक हमारे एक संत हुए हैं संत रविदास, शायद आपने उनके बारे में सुना होगा, तो उनको देख के मुझे एक कथा याद आ गई थी। तो बताया गया कि एक बार गंगा दशहरे के समय की बात है, बहुत साल पहले की बात है, कि बहुत सारे साधु संत लोग ब्राह्मण कर्मकांडी जो भी सारे लोग के सारे लोग गंगा जी में स्नान करने जा रहे थे। तो वहाँ जो एक संत थे रविदास, जो जिनका व्यवसाय क्या था, वो पैसे से मोची थे,
ठीक है, वो क्या करते थे, जूते जूते इनका काम करते थे रवि, है ना, ठीक है। तो वो आप थे रविदास जी, तो बताया गया जो इनका जो काम था जूते सिलना ये करना, वो निम्न जाति में उनका जन्म हुआ था, लेकिन बताया गया कि भक्ति में कोई जाति वाति का कोई विचार है नहीं, कि वह शूद्र किव्यानाशी क्षुद्र शूद्र सही गुरु है, मतलब इसमें कोई जाति का कोई भी ऐसा कोई भेदभाव नहीं है, चाहे वो शूद्र हो चाहे ब्राह्मण हो कोई भी हो, हर किसी का भक्ति पर स्वतंत्र अधिकार है। तो जब वो वहाँ बैठे हुए थे, उन्होंने देखा कि काफ़ी लोग, इतने सारे लोग, संत लोग, महात्मा लोग, पंडित लोग, सब जो लोग जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं। तो उन्होंने एक उनके पास एक पंडित जी आए, उन्होंने अपने उनसे चप्पल ठीक कराई, बोला इसको जल्दी सील दो फटाफट, हमें देरी हो रही है। तो उन्होंने सील दी, उसके बाद उन्होंने उन्हें एक पैसा दिया। तो उन्होंने पूछा कि मैं ब्राह्मण आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ, तो उन्होंने कहा पूछिए। उन्होंने कहा आप कहाँ जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि आज ना गंगा दशहरा है और गंगा जी का प्राकट्य दिवस है, हम गंगा जी में स्नान करने जा रहे हैं। तो जो संत थे रविदास जी, उन्होंने कहा कि मेरी आपसे एक प्रार्थना है। उन्होंने कहा बताइए। कह रहे आप वहाँ जा रहे हो, ये ना मेरा एक पैसा, ये आप गंगा जी को भेंट कर देना, लेकिन तभी देना जब बोलना कि गंगा जी से बोलना है कि ये भेंट रविदास ने दी है और गंगा जी हाथ करके आगे लेने आए, तभी देना वरना देना मत। तो ब्राह्मण हंस पड़ा, कैसा मूर्ख आदमी है, गंगा देवी और शूद्र का इसके द्वारा दिए गए दक्षिणा को ग्रहण करेगी, कह रहे इतने बड़े बड़े पंडित लोग जा रहे हैं और इसका इसके एक रुपये गंगा जी ग्रहण करने आएगी, स्वयं प्रकट होकर आएगी। तो हंसता हुआ चला गया, वो अपने साथियों के साथ गंगा स्नान में चले गए और सब लोगों ने बड़े गंगा जी में गए, डुबकी लगाई, स्नान किया। तो जाने लगे, तभी उन्हें याद आ गया उनके एक मित्र को, अरे पंडित जी आप तो वो जो रविदास है जो मोची है उसने आपको कुछ दिया था एक रुपया, आप तो चढ़ाना बोल के। कह रहे अरे हाँ आप तो सही बात, तुमने मुझे याद दिला दिया, नहीं तो मेरे पे कर्जा चढ़ जाता। उन्होंने एक वहाँ गए और मन में हंस रहे कि जैसा रविदास ने बोला था मैं ऐसा बोल के देखता हूँ कि हे गंगा मैया ये आपकी ये भेंट रविदास ने दी है आप स्वीकार करिए। तभी वहाँ देखा उन्होंने स्वयं गंगा मैया वो प्रकट हो गई, हाथ उनके हाथ प्रकट हो गए और देख के बड़े अचंभित ये क्या हो गया और कांपने लगे, उनके हाथ से वो सिक्का गंगा मैया के हाथ में गिर गया। अब वो बड़े आश्चर्यचकित हो गए क्या हो गया, कह रहे हम इतने बड़े बड़े महात्मा साधु संत इतने लोग यहाँ आ रहे हैं और गंगा मैया कोई किसी के दर्शन नहीं हो रहे, ठीक है, और वह रविदास है जो एक चमड़े का काम करता है उसने एक छोटे से एक रुपए के सिक्के के लिए गंगा मैया स्वयं प्रकट होकर आ गई है। उसके बाद जो गंगा मैया थी ना उन्होंने एक सोने का कंगन निकाला गंगा जी में से और बोला ये भेंट मेरे भक्त रविदास को दे देना। वो ब्राह्मण बड़ा आश्चर्यचकित हो गया, सारे के सारे लोग देखने लगे कि क्या हो गया क्या हो गया। अब उनके साथियों ने कहा कि क्या करें हम, कह रहे जरूर ये कोई माया है, ये जो वो है ना मोची है उसकी कोई माया है, वो कोई माया रच रहा है, अगर वो चाहता है कि हम जाके दुनिया में जाके बोले कि गंगा मैया उसके एक रुपये लेने के लिए प्रकट हुई है और उन्होंने गंगा मैया ने सोने का कंगन दिया है तो जरूर वो व्यक्ति ना अपनी प्रतिष्ठा चाहता है, तो हम एक काम करेंगे हम किसी को बताएंगे नहीं। तो उन्होंने पूछा इस कंगन का करें क्या, अरे कंगन तो बड़ा बहुमूल्य है, एक काम करते हैं इस कंगन को हम राजा को भेंट कर देते हैं। तो सारे के सारे जो पंडित लोग थे वो गए राजा के पास और राजा को बोला कि राजा ये है हमने बहुत तपस्या की है और गंगा जी की बहुत गंगा जी में स्नान करके आए, हमने बहुत पुण्य किए हैं और तपस्या के फल से हमें ये कंगन प्राप्त हुआ है, ये हम आपको भेंट करने आए। तो राजा बड़ा प्रसन्न हुआ कि चलो भैया इतने बड़े सारे ब्राह्मण लोग मुझे कंगन भेंट कर रहे हैं और वो कंगन लेके उन्होंने अपनी रानी को दिया। जब रानी ने वो कंगन देखा तो रानी बड़ी आश्चर्यचकित, इतना बहुमूल्य कंगन, ऐसा कंगन तो मैंने कभी देखा ही नहीं। उन्होंने वो उस कंगन को हाथ में धारण कर लिया। अब वो जब अपनी सखियों के साथ जाती है तो सखियाँ भी देख के हैरान, तो सब कहती रानी तुम्हारे एक हाथ में तो कंगन है और तो दूसरा हाथ जो है बड़ा सुना है, ये अच्छा नहीं लग रहा। रानी के दिल में बात लग गई, अब वो राजा के पास गई कि राजा बात ऐसी कि मुझे ना एक हाथ में कंगन नहीं, मुझे दोनों हाथ में कंगन चाहिए, नहीं तो मैं तो कल से तुमसे बात नहीं करने वाली। अब राजा बड़ा परेशान, राजा दोबारा पंडितों को बुलाया इधर आओ,
अब एक काम करो, तुम जो एक कंगन लाए हो ना, अब मुझे दूसरा कंगन चाहिए, कैसे भी करके मेरे लिए दूसरा कंगन लाओ। तो सारे ब्राह्मण कह रहे, अब कहाँ से लाए भैया, ये तो हमने तो कोई तपस्या नहीं की, ना हमने कुछ किया, ये तो हमें रविदास की वजह से मिला, अब क्या करें। राजा ने बोल दिया, भाई मुझे कुछ भी हो जाए मुझे चाहिए, नहीं तो मैं मृत्युदंड दे दूंगा तुम्हें। अब वो सारे ब्राह्मण डर गए और राजा के पैरों में गिर पड़े और राजा को सारी बात सच्ची बता दी कि राजा जो ऐसी ऐसी बात हुई थी। तो राजा ही बड़ा हैरान कि ऐसे कैसे हो गया। तो राजा ने कहा चलो, राजा उस कंगन को लेके और रविदास के पास पहुँचे और उससे बोला, वही ब्राह्मण ने बताया कि आपने जो मुझे भेंट दी थी ना, मैंने गंगा मैया को दी और स्वयं गंगा मैया प्रकट होकर आपकी उस भेंट को स्वीकार किया और बदले में उन्होंने मुझे कंगन दिया। तो रविदास ने जब वो कंगन देखा तो रोने लगा, फिर राजा ने बोला कि हमारी आपसे एक प्रार्थना है, जो मेरी रानी है ना वो चाहती है कि सेम ऐसे कंगन उन्हें मिल जाए। तो रविदास जी थे ना, तो देखो इतनी भक्ति थी उनकी, ठीक है, भगवान में इतनी भक्ति थी कि जब उनकी कटौती होती, कटौती एक चमड़े का एक बहुत बड़ा सा एक कटोरा टाइप का होता है, उसमें पानी भरा होता है कटौती। तो रविदास जी ने दो जगह ऐसा भी वर्णन आता है कि रविदास जी जहाँ बैठे थे उसके नीचे वो कटौती के ऊपर बैठे थे, तो उन्होंने वहाँ से कपड़ा हटाया और जब वो कपड़ा हटाया तो उसमें हजारों लाखों कंगन तैर रहे, गंगा मैया वहाँ प्रकट हो गई और उसमें कंगन तैर रहे। और उन्होंने बोला, राजा जो आपको कंगन चाहिए छाट लो, जो आपको जितने कंगन चाहिए छाट लो। राजा भी देख के हैरान कि इतनी धन संपत्ति इतना तो मेरे पास भी नहीं जितना तो इस रविदास के पास है। तो वो भी राजा भी उनके पैरों में गिर पड़ा। तो बताया कि देखो गंगा मैया, गंगा देवी की कितनी महिमा है। जैसे कि हमने कुछ दिन पहले भी सुना था कि जो हमारे अद्वैताचार्य थे उन्होंने भगवान को बुलाने के लिए दो ही चीज़ों का प्रयोग किया, कहती थी पहला तुलसीदल, दूसरा गंगा जल। तुलसीदल मात्रे जड़ से चुलके ने जो विक्रीड़ते स्वयं आत्मनम भक्ते भ्यो भक्त वत्सला, भगवान बिक जाते हैं सिर्फ किससे, तुलसीदल और गंगा जल से, है ना। देखो भगवान को अपना धाम छोड़ के आना पड़ा सिर्फ किसके किस लिए, तुलसीदल और गंगा जल। तो देखो कितनी गंगा जल और तुलसी की कितनी महिमा है ना। देखो ऐसा नहीं है, साधारण बातें हमारे पुराने समय से ये शास्त्रों में वर्णित है। अभी आपने एक नाम सुना होगा राजा अकबर का, अकबर बीरबल, तो उनके में भी एक ऐसा व्याख्यान आता है, थोड़ा हास्यप्रद है। एक बार बीरबल और अकबर सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले, तो बीरबल तो हिंदू थे और जो राजा अकबर थे वो मुस्लिम थे। तो बीरबल ने देखा सामने तुलसी का पेड़ है और जाके वो साष्टांग दंडवत प्रणाम करके लेटने लगे। तो राजा देखने लगे क्या हो गया जब भूमि में लेट रहा है, तो पूछा बीरबल से क्या हुआ। तो बीरबल ने कहा ये तुलसी हमारी माता है, हम इनको प्रणाम कर रहे हैं। तो राजा को थोड़ा मुस्लिम था, उसने कहा क्या हो रहा है क्या कर रहे, उसने क्या करा तुलसी का थोड़ा पौधा उखाड़ दिया, कह रहा लो मैंने तुम्हारी माता को उखाड़ दिया। बीरबल को बड़ा गुस्सा आया, लेकिन क्या करे राजा। बीरबल ने कहा बताता हूँ तुझे। बीरबल आगे गए तो बीरबल ने एक जाके पेड़ के और जाके दोबारा साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। राजा ने पूछा कौन है, तो बीरबल ने बोला वो तो हमारी माता थी, हमारे पिता है। राजा ने कहा अच्छा तुम्हारे पिता है, लो उसको भी उखाड़ दिया। और वो पेड़ था खुजली का पेड़। अब राजा ने जहाँ जहाँ खुजली का पेड़ था तो जहाँ हाथ लगाए पूरे शरीर में खुजली और राजा वहाँ नाचने लगे। बीरबल ने कहा क्या हो गया राजा। राजा ने कहा भैया क्या हो गया क्या। तो बीरबल ने कहा तुमने हमारी माता को परेशान किया ना, तो पिताजी गुस्सा हो गए और तुम्हें डंडे मिलेगा। और अकबर था ना, बीरबल के पैरों में गिर पड़ा कि बीरबल मुझे बचा लो, ये मेरे से सहन नहीं हो रही खुजली, वो जहाँ हाथ लगाए खुजली अकबर। तो बीरबल ने कहा एक काम करो, तुमने हमारी माता को परेशान किया है तो माता का ही आश्रय लेना पड़ेगा, तो बताओ क्या करें। तो कह रहे गौ हमारी माता है ना, उनके गोबर में अपने पूरे शरीर में लगा लो। तो गोबर जो होता है एंटीबायोटिक होता है, हमारे शास्त्रों में बताया गया। तो बीरबल ने पूरा और अकबर ने पूरा गोबर अपने शरीर में लगाया और बड़ी राहत मिली। कहा कि बीरबल आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मुझे एक बात बताओ, अब मैं राजमहल में जाऊँ कैसे, मैंने तो पूरे शरीर में गोबर लगा लिया है। तो उन्होंने कहा तुम्हें हमारी एक और माता के पास जाना पड़ेगा। अरे कौन, अरे हमारी गंगा मैया बहरी, उसमें जाओ डुबकी लगाओ और वापस आ जाओ। तो देखो गंगा जल तुलसी ये सब महिमा सब हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है और इन चीज़ों को हम फॉलो करते आ रहे हैं। तो हमारे ये बोल के मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। बोलो गंगा देवी की जय।
बलराम प्रभु बोलो हमारे श्याम सुंदर लोग कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी माता पिताओं को यथाजुक्त प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। आज बहुत बहुत ही बढ़िया तिथि है, आज श्री गंगा दशहरा है। आज का दिन गंगा देवी ने इसी मर्त्य जगत में अवतीर्ण हुए थे, इसलिए आज हम लोग भी बड़े सौभाग्यवान हैं। आज हम लोग सुकर ताल में गंगा स्नान के लिए हम लोग सबके सब गए थे हैं, और वहाँ पर जहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को जहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा सुनाया, फिर हम वहीं पर बैठ करके भागवत भी कथा सुने और गंगा जल में स्नान भी किया है, इसलिए आज हमारी भी बहुत बढ़िया अच्छा दिन है, अच्छा दिन है। इसलिए गंगा की बड़ी महिमा है कि जिस समय श्री चैतन्य महाप्रभु उनने संन्यास ग्रहण किया
और संन्यास ग्रहण करते करते हरि बोल करते करते महाप्रभु चल रहे थे कहाँ, श्री जगन्नाथपुरी। चलते चलते उन्होंने बड़े दूर तक जब गए, कहीं भगवान के नाम किसका मुंह से सुनाई। लेकिन जब उन्होंने एक हठात एक जगह पर पहुँचे, देखा कुछ ग्वाल या गैया चरा रहे थे, हरि बोल करके सबके सब भगवान का नाम ले रहे थे। महाप्रभु ने सोचा इतना दूर तक आया, अभी तक तो ठाकुर का कोई नाम नहीं सुना, लेकिन यहाँ पर आकर के बच्चों को मुंह पे भी हरि बोल, थोड़ा आश्चर्य की बात है। तो उन्होंने पता लगाया ये बच्चों को मुंह से हरि का नाम कैसे निकल रहा है। उन्होंने देखा वो पास में गंगा बह रही है, कि गंगा बह रही है, ये गंगा की प्रभाव है। जब गंगा में हवा केवल टच होते हुए हैं, गंगा में केवल हवा टच होते हुए बहती है, और जिसको शरीर में वो हवा भी लग जाए ना, बस उसका भी कल्याण हो जाता है, उसका हृदय मन में भी भगवान के नाम अपने आप उच्चारण होने लग जाता है। कहते जो व्यक्ति गंगा किनारा में बैठते हैं, हमारे चैतन्य भागवत में बताए जितने कीड़े मकोड़े पशु पक्षियों का भी जो गंगा किनारा में निवास करते हैं, उनका हृदय में भी ये भगवत भक्ति उनके हृदय में भी संचार हो जाती है। इसलिए पहले आपको मैंने गंगा की महिमा सुनाई थी, कभी आपको याद होगा हमारे गुरु जी उसमें दो कथा सुनाया करते थे। पहले एक समय गरुड़ जी जा रहे थे, और गरुड़ जी का आहार ये सर्प, एक सर्प गंगा किनारा में, एकदम गंगा किनारा में एक बील में वो सर्प अपना मुंह को निकाल रखा था। गरुड़ जी ने वो सर्प देखते मारे, झपट झपट मारे, अब पंजा में पकड़ करके जब वो सर्प को निकाले गड्ढे से, वो निकालते समय उसकी प्राण पखेर उड़ गया। लेकिन उड़ते समय उसका पूछ केवल ये गंगा पानी में ही स्पर्श हो गई। स्पर्श होते ही वो जो सर्प था ना, इतने में उसने चतुर्भुज धारण कर लिया। चतुर्भुज मतलब वैकुंठ के जो भक्त होते हैं सबके सब चार हाथ वाले होते हैं, शंख चक्र और गदा पद्म। वो सर्प ने शंख चक्र गदा पद्म रूप धारण कर लिया। गरुड़ जी उसको भोजन किया करेंगे, बोले ये क्या हो गया, ये तो शंख चक्र गदा पद्म रूप धारण कर लिया, फिर गरुड़ जी खाएंगे क्या। उसको पीठ में बैठा करके उनको वैकुंठ ले जाना पड़ा। इसलिए हमारे भारतीय क्या संस्कृति है, जब अंतिम समय में कोई व्यक्ति शरीर छोड़ते हैं, उनका मुँह में गंगा जल और तुलसी पता देता है। ये हमारी भारतीय जो संस्कृति है ना, बहुत बड़ा संस्कृति है भारत में। ये गंगा भारत छोड़ करके और कहीं क्या गंगा है, गंगा और कहीं मिलेगा आपको। इसलिए श्री नारद जी भारतवर्ष में हैं, सर्वत्र उन्होंने भ्रमण किया लेकिन शांति नहीं मिली। तब उन्होंने श्री भारतवर्ष में आए, बोले क्यों, बोले कारण ये जो भारतवर्ष है पुण्य भूमि में भारतवर्ष है, भगवान का जितने अवतार कृष्ण राम नरसिंह वामन सब भारत में हुए, गंगा जमुना सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी गोदावरी सरस्वती कहाँ पर है। विदेश में कहीं एक नदी देखोगे, कहीं विदेश में भी एक पवित्र नदी आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस सब के सब भारत में ही, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंत्या द्वारावती कहाँ पर है, भारत में ही है। गंगोत्री जमुनोत्री केदारनाथ बद्रीनाथ कहाँ पर है, भारत में है। हैं जो चार धाम है द्वारका हैं काशी केदारनाथ और हमारे जो द्वारका है जगन्नाथपुरी रामेश्वरम हैं, ये कहाँ पर है, भारत में और कहीं नहीं है, और कहीं नहीं ये सब चीज़ें हैं, केवल भारत में ही सारे पवित्र नदी भर। लेकिन कुछ कुछ लोग विदेश घूमने के लिए जाते हैं। एक बार मैं गया था रसिया में, जब वापस आ रहा था देखा करीब 50 लोग भारतीय लोग, और उस समय रसिया में बहुत बर्फ़ पड़ता है, -20-30 इतना बर्फ़। वो सब मैंने कहा भैया तुम लोग यहाँ क्या करने के लिए आए थे, बोले हम घूमने आए थे रसिया। बोले कैसे लगा, बोले बकवास सबके साथ, वो बोले बकवास है बेकार, हमने पैसा बर्बाद किया आकर के, बर्फ़ और कुछ नहीं। अरे घूमने के लिए जा, भारत में कितने सुंदर। आप लोगों ने बद्रीनाथ गए हो, कौन कौन बद्रीनाथ गए, गए ना हमारे छल्लू वल्लू प्रभु जी बद्रीनाथ गए, तब फिर जानी चाहिए ना, आप कई बार हम ले चलेंगे। इसलिए बद्रीनाथ जाओ, केदारनाथ जाओ, गंगोत्री नाथ, कितना सुंदर स्थान है।
हैं, बद्रीनाथ जाओ ऐसे लगता पूरा आकाश जैसे छू रहा है, सुंदर अलका नदी बह रही है, कलकलनाद से बड़े सुंदर कहाँ पर झरना प्रवाहित तो हो रहे हैं, तप्त कुंड वहाँ पर, अभी तो टूरिस्ट प्लेस बन गया। अगर किसी को घूमने के लिए गर्मी समय में जाओ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है, उसी समय जाओ ये आनंद आ जाएगा। कितने हरियाली, कितने पेड़ पौधा, कितने सुंदर पवित्र नदी, और जहाँ पर जहाँ पर व्यास गुफा, जहाँ पर व्यास देव बैठ करके भागवत ग्रंथ लिखे थे, क्या अलका नदी बह रही, सरस्वती कैसे इतना तेज से कैसे पानी बह रहे, अद्भुत हैं। कहीं गए हो? नहीं गए ना, सबके एक बार ले चलें हैं। इसलिए हम लोग बड़े भाग्यवान, जिस देश में गंगा है यमुना, पर यमुना भी आपके पास में बह रही हैं, पर यमुना नदी भी पास में बह रही है, इसलिए बड़े भाग्यवान से यहाँ पर जन्म ग्रहण करते हैं, साधारण भाग्य से नहीं। वृंदावन जाकर देखना, अंग्रेजी लोग अमेरिका, लंदन, फ्रांस, जर्मनी, भारत बाहर से लोग आकर के गंगा में स्नान करते हैं, यमुना में स्नान करते हैं, सारे तीर्थों को भ्रमण करते हैं वे लोग। इसलिए गंगा की बड़ी महिमा गुरुदेव और एक कथा सुनाया करते थे, कोई एक तांत्रिक था जो भूतों को बात समझने वाले और भूतों को बसीभूत करने वाले। एक दिन वो तांत्रिक जा रहा था, देखा तो जो भूत लोग रात में बैठ कर बैंड पट्टी बाजा बज रही, जिसे शादी होती है ना, बाजा बज रही थी, तो वो जो तांत्रिक था एक भूत को बोले इधर आ, बोले ये क्या बात, तुम्हारा कोई शादी फादी है ना क्या, ये बाजा भी क्यों बज रही है? बोले हाँ कल एक शादी होगी। बोले किसको साथ में? बोले एक लड़की जवानी अवस्था में शादी से पहले उसने शरीर छोड़ दी, अपमृत्यु हुई, अपमृत्यु होने का नाते उसने पत्नी बन करके आई, एक प्रतात्मा बन करके आई, इसलिए कल इसकी शादी होगी। बोले कैसे शादी होगी? बोले कल एक लड़का जवानी अवस्था में शादी से पहले उसका अपमृत्यु होगा। बोले कैसे अपमृत्यु होगी? बोले दो सांडों में लड़ाई होगी, जब लड़ाई होगी बड़े समय तक लड़ेंगे, जब किसी तरह से वो छोड़ेंगे नहीं, वो जो जवान लड़का उसको छुड़ा निकले जाएगा, लेकिन दोनों सांड बड़ी क्रोध अवस्था में होगी, और जो छुड़ा नहीं जाएगा और उसको ऐसे मारेंगे, सींग एकदम पेट में घुसार देंगे, और उसने अपना शरीर त्याग देगा, वो अपमृत्यु होगा। अपमृत्यु होने का नाते कल वो प्रेत बन गया, प्रेत बन करके आएगा, और ये लड़की भी प्रेतात्मा है दोनों, इसलिए कल उनकी दोनों का शादी होगी। बोले ये भूतों को सारी बात पता है, ये मरने वाले, तब उन्होंने पता लगाया, सचमुच से दो साढ़ में लड़ाई हुई, और एक जवान लड़का जब छुड़ाने के लिए गया, साढ़ ऐसे मारा उसको पेट में, फाड़ दिया, सचमुच से उसने मर गया। तो दूसरे दिन रात को फिर जब उधर से गुजर रहा था, देखा जितने भूत थे ना वो बैठ करके रो रहे थे, तब वो गुणिन ने बुलाया, भाई इधर आ, क्या बात है, शादी नहीं हुई क्यों बैठ कर क्यों रो रहे हो? बोले एक बहुत बड़े अनहोनी हो गई। बोले क्या हो गई? बोले कल अनहोनी में देखा साढ़ में लड़ाई हुई, मर गया। बोले अनहोनी ये हुई, देखना जो साढ़ हैं जब उनको सींग में खुजली मचती हैं, वो ऐसे माटी मिट्टी को कुतरते हैं, अब देखना मिट्टी को कुतरते हैं, वो गंगा किनारा में वो सांड ने अपना सींग से मिट्टी को कुतरा, उसका सींग में लगा हुआ था ये गंगा का रज, गंगा का धूल लगा हुआ था, उसने जब उसको मारा, मारते ही चूंकि उसका सींग में गंगा रज लगी हुई थी, केवल और गंगा रज की स्पर्श से ही वो प्रेत क्या बनेगा, उसने तो भगवत लोक को कमने थे, भगवत धाम को चला गया। इसलिए बेचारी हमारी जो बेटी है ना, वो कुंवारी की कुंवारी बेटी रहेगी, इसलिए हम यहाँ रो रहे हैं। देखो ये गंगा की जो रज है, गंगा की जो हवा है, गंगा की जो पानी है, इसमें कितने पवित्रता है, केवल इसकी स्पर्श से ही जीव को मुक्ति मिल जाती है। इसलिए हम इतने धन्य देश में, भारतवर्ष में हम लोगों ने जन्म ग्रहण किया। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहाँ पर जन्म हुई है? नवद्वीप आप लोग गए ना, महाप्रभु गंगा किनारा में महाप्रभु जन्म हुए। जब जन्म हुए आप लोग गंगा सागर गए हुए, गंगा सागर गए ना, गंगा सागर, इसलिए कल जो नवद्वीप धाम में हैं वहाँ पर भी सारे तीर्थ है, जहाँ पर हम लोग जाते हैं ना समुद्रगढ़, वहीं पर गंगा अभिन्न गंगा सागर वहीं पर है। इसलिए एक दिन ये गंगा और यमुना ये दोनों बहनी है, एक दिन यमुना बड़ी बहनी और गंगा छोटी बहनी, एक दिन गंगा यमुना से कह रहे, बोले यमुने तो कितने भाग्यशाली बताओ, कृष्ण तुम्हारी किनारा में वृंदावन में जन्म हुए, और बचपन में
जमुना में जल विहार किया है, सखियों को लेकर के स्नान किया है, कृष्ण रोज यमुना जल को पान करते हैं, तो कितने सौभाग्यवान जमुने, लेकिन मेरी इतना सौभाग्य नहीं है। तो यमुने कहती है, बोले बहन तू चिंता मत करो, यही कृष्ण तो द्वापर युग में जन्म हुए, यही कृष्ण श्री कलियुग में जब श्री सच्चिदानंदन गौर हरि बन करके जन्म ग्रहण करेंगे और तुम्हारे किनारे में जन्म ग्रहण करेंगे। जैसे कृष्ण यमुना में जल विहार किया, ठीक उसी तरह महाप्रभु भी तुम्हारी गंगा में भी जल विहार करेंगे। तुम भी उनकी एक सखी बन करके आओगी, तुम भी उनकी सखी बनोगी। इसलिए महाप्रभु जब अपना सखाओं को साथ में गंगा में स्नान करते थे, गंगा क्या करती थी, अलखित रूप में बड़ी सुंदर सुंदर लहरियों से महाप्रभु क्या करते, उनको उनको जो तैरते थे महाप्रभु, उनको ऊपर, उनको नीचे, उनको ऊपर और नीचे करा करती थी। इसलिए बोले तुमको भी बड़े सौभाग्य प्राप्त होगा, महाप्रभु गंगा किनारा में जन्म ग्रहण करके ठीक वैसे लीला करेंगी। इसलिए कहते गंगा और यमुना में बोले एक समय गंगा किनारा में जो रहते हैं उन लोगों को गंगा की बड़ी महिमा बोले, और जो यमुना किनारा में रहते हैं वो भी यमुना की बड़ी महिमा बोले। अब ये दोनों व्यक्तियों का लड़ाई हो गई। जो गंगा किनारा में रहते हैं कहते हमारी गंगा इतने पवित्र था, ये यमुना किनारा में रहते बोले हमारी यमुना की ये महिमा है। अभी दोनों में बड़ी लड़ाई हुई। जब लड़ाई हुई उसी समय अकबर का पीरियड था, बोले भैया इसको मीमांसा कौन करेगा, कौन करेगा, सचमुच से दोनों का महिमा कोई कम नहीं, बोले इसका मीमांसा ऐसे व्यक्ति को बुलाओ जो ऐसे उन्होंने युक्ति तर्क मीमांसा दे, दोनों व्यक्ति स्वीकार कर दे। ऐसे व्यक्ति कौन, बोले अभी वृंदावन में एक बहुत बड़े संत रह रहे हैं जिनका नाम श्री जीव गोस्वामी, लेकिन ये जीव गोस्वामी रात को वृंदावन छोड़ करके और कहीं नहीं रहते थे, वो रहते थे वृंदावन में, कहीं भी जाए वो रात को वृंदावन में ही निवास करते थे। तब राजा अकबर उनको बुलाया, बोले महाराज हम तो रात को वृंदावन छोड़ कर कहीं रहते नहीं, और अकबर था आगरा में। तब उसने कहा कोई चिंता मत करो, मैं घोड़ा गाड़ी का व्यवस्था कर दूँगा, 5-6 घोड़ा गाड़ी अलग अलग रख दूँगा, अब एक दिन में पहुँच करके एक दिन में ही वापस आ सकते हैं। तब अकबर दरबार में बहुत बड़ी सभा बुलाई गई, गंगा यमुना के किनारे का लोग आए और जीव गोस्वामी वहाँ पर पहुँचे। और जो व्यक्ति यमुना किनारा में रहते थे यमुना की कितने हैं, इसलिए कितने यमुना की महिमा उन्होंने गाए, इसलिए दे यमुना की इतने महिमा यमुना की, कहती ये कोई पानी नहीं, राधा कृष्ण का प्रेम जब द्रवीभूत होकर के बहती हैं, ये श्री यमुना पटरानी। यमुना कहाँ से प्रकट हुई, बोले एक दिन भगवान अपना राग रागिणी को सुने, जब सुने भगवान की शरीर से प्रेम प्रकट हुआ, प्रेम जब प्रकट हुई वो घाम निकली, पसीना निकली, मैया जसोदा ने कृष्ण को मोटी मोटी काजल लगा कर रखी थी, वो पसीना जब काजल में मिल गई हो गई काली, वही काजल जब द्रवीभूत होते हुए भगवान की गंड देश और हृदय को स्पर्श करते हुए, चरण को स्पर्श करते हुए जब निकली, ये हो गई श्री यमुना महारानी। और यमुना विशाखा रूप में आई, विशाखा अनुराधा राधा रानी की एक सखी है। यमुना की इतने महिमा यमुना अष्टक की है, यमुना बल्लभाचार्य ने यमुना अष्टक की गाई, रूप गोस्वामी अद्भुत यमुना की महिमा है। कहते जो जम द्वितीया का दिन, अगर भाई बहन बोले एक समय, अब देखना राखी पूर्णिमा आती है ना, राखी पूर्णिमा में बहन भैया के हाथ में राखी बांधती है, और उसी दिन बहन जो मांगेगी भैया को देना पड़ता है। अब ये यमुना और ये जम महाराज भाई बहन दोनों ही सूर्य के बेटा और बेटी, तब यमुना ने जम महाराज के हाथ में राखी बांध दी तो बोले बहन तुमको क्या चाहिए, बोले भैया एक चीज़ देना, बोले क्या, बोले जम द्वितीया का दिन अगर भाई बहन दोनों हाथ पकड़ करके अगर यमुना में स्नान करे तो हैं जैसे कभी जमपुर नहीं जाए, कभी उनको जमपुरी देखना नहीं पड़े, उन्होंने तथास्तु बोले। इसलिए जम द्वितीया के दिन अगर आप मथुरा यमुना देखोगे हजार हजार लोग भाई बहन मिलकर के जाते हैं और हाथ पकड़ करके तो ना यमुना में स्नान करते हैं, स्नान करने से फिर उनको दो बार जन्म लेना नहीं पड़ेगा, इतने महिमा वरदान दी। इसलिए जो गंगा किनारा में रहते थे वो भी अभी गंगा की महिमा सुन रहे थे, वो भी गंगा की महिमा सुना, इतने गंगा यमुना की महिमा, अभी विचार करना पड़ेगा जीव गोस्वामी को, तो उन्होंने कितने सुंदर विचार दिया है, इतने सुंदर विचार दिया, लोग एक साथ में वो बात को स्वीकार कर लिए।
बोले ये बताओ यमुना कौन और गंगा कौन, ये यमुना कौन और गंगा कौन? बोले ये यमुना है, ये कृष्ण का पटरानी है, ये कृष्ण की, जब यही मथुरा में जाती हैं कृष्ण की पटरानी बनती हैं, जब ये वृंदावन में रहती हैं कृष्ण का सखी विशाखा सखी है, ये कृष्ण की सखी और पटरानी। बोले ये गंगा कौन है? बोले भगवान की वामन देव का चरण से ये निकली गंगा, जब भगवान एक चरण बढ़ाए भूर भूव मोह जन, जब सत्य लोक में पहुंचा ब्रह्मा जी अभिषेक करके जो अपना कमंडल में रखा था वही गंगा है। और कहते हैं जब श्री वामन देव का एक चरण ब्रह्मांड कटाव को जब स्पर्श करते हुए उन्होंने स्पर्श किया, कहते बिरान जैसे कहते फट करके वहीं से ये जब गंगा देवी वहीं से प्रकट हुई, मतलब ये भगवान वामन देव का चरण से प्रकट हुई, मतलब ये भगवान की दासी। बोले ये वामन देव कौन है? बोले कृष्ण के अभिन्न श्री बलदेव प्रभु, बलदेव से कहते शंकर सैन, इनसे चतुर्व्यूह आता है, चतुर्व्यूह में जो उनसे जो आता है इसी कारण तो गोसाई गर्भ तो गोसाई क्षीराब्दिशाही विष्णु, ये जो कारणाब्दिशाही जो विष्णु है यहीं से ये सारे अवतार आते हैं, जितने मत्स्य कुर्म बराह नृसिंह वामन ये सब के सब यहीं से प्रकट होते हैं। मतलब कृष्ण का अंश का अंश का अंश का अंश ही वामन देव, उनके चरण से कौन निकली? बोले गंगा। तो गंगा क्या हुई? भगवान की दासी हुई। और यमुना कौन? बोले उनका पटरानी, घर की पटरानी, ये सखी। तो उन्होंने बताया ये बताओ घर के दासी श्रेष्ठ होती ना घर का पटरानी श्रेष्ठ होती? उन्होंने ऐसे विचार, हम तो थोड़ी सी बताए, उन्होंने इतने सुंदर व्याख्या करके बताए, सब लोग एक बात में स्वीकार कर लिया, सचमुच से जो यमुना है ये सर्वश्रेष्ठ है। कहते गंगा में स्नान करने पर जो फल है, कहते यमुना का केवल स्मरण करते ही वो फल प्राप्त होता है। इतने यमुना की महिमा, यमुना की महिमा है, लेकिन पहले तो यमुना की महिमा थी, लेकिन जब फिर कलयुग आया ना गंगा की महिमा भी उनको भी पार कर गई। बोले क्यों? बोले गंगा जब महाप्रभु प्रकट हुए कहाँ पर? गंगा किनारा में, नवद्वीप में, जब महाप्रभु स्नान करते थे ये गंगा स्वयं कृष्ण की दासी बनकर, दासी उनकी पटरानी बनकर के, और महाप्रभु को पानी में जो उन्होंने स्नान किया उनको लहरी को द्वारा आनंद दिया, एक तरह से चैतन्य महाप्रभु का ये भी सखी बन गई। जब सखी बन गई ना गंगा की भी महिमा कम नहीं रह गई। क्यों? ये महाप्रभु की ये सखी बन गई, और विशाखा जो यमुना कहा क्या बन गई? कृष्ण की सखी बन गई। इसलिए मानो ये यमुना स्वयं कह रही है गंगा को, बोले गंगा तुम भी, तुम्हारी महिमा भी कम नहीं रहेगी कलयुग में, तुम्हारी महिमा भी मेरे से बढ़कर तुम्हारी महिमा हो जाएगी। इसलिए गंगा यमुना की बड़ी महिमा है। इसलिए आज गंगा दशहरा में हम लोग बड़े सौभाग्यवान जो गंगा में हम लोग ने स्नान किया, और वही गंगा कहाँ से? नवद्वीप तो हैं, कहते नवद्वीप होते हुए श्री गंगा जाती है। इसलिए आज गंगा दशहरा, गंगा गोस्वामी की तिथि भी है, बलदेव विद्याभूषण प्रभु का तिरुभाव तिथि, आज बहुत बहुत सारी तिथि, और जो कल है साल का सबसे बड़ा एकादशी है पांडवा निर्जला एकादशी, उसी दिन आप एकादशी व्रत करते हुए, कहते साल भर का जो फल एकादशी का, कल एकादशी करने पर सारे फल उनको प्राप्त हो जाते हैं, सारे फल प्राप्त हो जाती है। इसलिए एकादशी भगवान की सबसे प्यारी व्रत एकादशी, ये भक्ति की जननी, भक्ति को देने वाले, ठाकुर का प्रेम देने वाले एकादशी। एकादशी जो नहीं करते हैं कभी उनको भगवत भक्ति जिंदगी में नहीं मिलेगी, भक्ति विहीन हो जाएगी हैं। इसलिए हर वैष्णव संप्रदाय में देखना एकादशी ही बड़े प्रेम पूर्वक, हम लोग तो कुछ प्रसाद ले लेते हैं दूसरे एकादशी में, हमारे और कुछ संप्रदाय का जो भक्त है ना एकादशी का दिन कुछ भी नहीं लेते। एकादशी से एक दिन रात्रि भोजन नहीं करते हैं, एक दिन एकादशी का पूरा निर्जला, और दूसरे दिन टाइम से अपना व्रत खोलते हैं, अपना व्रत खोलते हैं। इसलिए कल सबसे बड़ी एकादशी, आप लोग कोशिश करना जितना दूर तक रह सके, जितना दूर तक निर्जला रह सके, अगर कोई विशेष अगर कोई कष्ट हुआ नहीं रहा गया तो आप लोग फिर फल फूल ले सकते हो, नहीं तो कोई नींबू का नींबू शरबत बना कर ले सकते हो हैं, लेकिन जितना दूर हो सका अच्छे से अच्छे। और कल हरिनाम, जो एक माला हरिनाम करेगा ना 100 माला करने का उसको फल मिलता है, कल का विशेष महत्व कल एकादशी का। इसलिए आप लोग जरूर एकादशी व्रत रखना, और सबके सब कल शाम को भी आइयो, सवेरे में भी आइयो आरती में, और शाम को हम कोशिश करेंगे एकादशी की विशेष विशेष महिमा को श्रवण करने के लिए और कथा सुनने के लिए। ठीक है,
वंचाकल गुरुभ्यः कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे, बोल हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल, 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 हरि बोल